मिथिला नगर में मनसुख नामक एक जुलाहा रहता था। एक दिन काम करते समय उसका करघा टूट गया। करघा बनाने के लिए उसे लकड़ी की आवश्यकता थी, इसलिए वो कुल्हाड़ी लेकर वन में जा पहुंचा और शीशम के एक सूखे पेड़ को काटने लगा। उसी पेड़ पर एक यक्ष रहता था। अपने निवास को कटते देख उसने जुलाहे से कहा, इसे मत काटो, यहाँ मेरा निवास स्थान है। श्रीमान, मैं एक गरीब और असहाय जुलाहा हूँ। धागा बुनते समय मेरा करघा टूट गया है। काफी भटकने और ढूंढने के बाद मुझे यही सूखा पेड़ मिला है, इसलिए आप मुझे इसे काटने की अनुमति दें, वरना मेरे परिवार को भूखों मरना पड़ेगा, मनसुख जुलाहे ने दीन भाव से कहा। जुलाहे की विनम्रता देख यक्ष द्रवित होते हुए बोला, मैं तुम्हारी विनम्रता और व्यवहार कुशलता से प्रसन्न हूँ। तुम इस पेड़ को छोड़ दो और इसके बदले में कोई वर मांग लो। मैं अपनी पत्नी से पूछकर उसकी और अपनी इच्छा अनुसार ही वर मांगूंगा, इसलिए आप मुझे कुछ पल के लिए घर जाने की अनुमति प्रदान करें, जुलाहे ने यक्ष से विनम्रता पूर्वक कहा। ठीक है, अपनी पत्नी से सलाह करके आ जाओ, यक्ष ने कहा। जुलाहा खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसका परिचित मित्र नाई मिल गया। जुलाहे ने सारी बातें उसे बता दी। नाई ने सब कुछ सुनने के बाद जुलाहे से कहा, तुम उस यक्ष से राजपाट मांग लो, राजा बनकर तुम्हारा शेष जीवन सुख से कटेगा। तुम्हारे पास काफी धन होगा, जिसे दान पुण्य करके तुम अपना परलोक भी सुधार लोगे। तुम ठीक कहते हो, लेकिन घर जाकर अपनी पत्नी की इच्छा भी पूछ लूं, जुलाहे ने कहा। मित्र, ऐसी गलती भूलकर भी मत करना, गूढ़ विषयों पर स्त्री की मंत्रणा नहीं करनी चाहिए, नाई ने जुलाहे को अपने मत से अवगत कराते हुए कहा। क्षमा करना मित्र, लेकिन मैं अपनी पत्नी से पूछे बिना कोई काम नहीं करता, इसलिए मैं उसकी इच्छा अवश्य पूछूंगा, ऐसा कहकर जुलाहा अपने घर की ओर चल दिया। घर आकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, यहाँ तक कि नाई के वचन भी उसे सुना दिए। इस पर जुलाहे की पत्नी ने कहा, किसी राज्य को पाकर उस पर शासन करना काफी कष्टकारी होगा। जिस राज्य को पाने के लिए एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हो जाता है, बेटा अपने बाप का वध करने को तैयार हो जाता है, ऐसे राज्य को पाने से क्या लाभ? प्रिय, तुम ठीक कहती हो, लेकिन ये तो बताओ कि मैं यक्ष से आखिर क्या वर मांगू? तुम यक्ष से दो अतिरिक्त हाथ तथा एक अतिरिक्त सिर मांग लो, इससे तुम दुगने वस्त्र बुन सकोगे और तुम्हारी आय भी दुगनी हो जाएगी। हम थोड़े ही दिनों में समृद्ध हो जाएंगे। अपनी स्त्री के कहे अनुसार जुलाहे ने यक्ष के पास पहुंचकर उससे कहा, महाराज, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसे मेरे चार हाथ और दो सिर हो जाएं। तथास्तु, यक्ष ने जुलाहे को वरदान देते हुए कहा। यक्ष के मुख से ये शब्द निकलते ही जुलाहा चार हाथ और दो सर वाला हो गया। ऐसी स्थिति में जब वो अपने गांव लौटा तो लोगों ने उसे राक्षस समझकर गांव में घुसने ही नहीं दिया और लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। कथासार, बुद्धिमान वही होता है जो स्वयं की बुद्धि व विवेक से काम लेता है। अनेक लोगों से विचार विमर्श करने के बाद व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और सही निर्णय न ले पाने के कारण मूर्ख जुलाहे की भांति हानि उठाता है। भिन्न मुंडे भिन्न मता की कहावत भी यही संकेत देती है कि किसी भी विषय पर सबकी सम्मति कभी भी एक नहीं हो सकती। हर व्यक्ति के अपने अपने अलग विचार होते हैं। अलग अलग विचारों के कारण ही आम सहमति नहीं हो पाती। जितने मुंह उतनी बातें वाली कहावत भी इसी ओर संकेत करती है। इसलिए व्यक्ति को कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।